नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं अभिषेक गौरहा और ये वाली सीरीज में हम डील कर रहे हैं 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके हॉस्टल वार्डन में आप लोगों के लिए उपयोगी होंगी। कल हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक डील कर लिया है, आज हम 51 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जाने की कोशिश करेंगे। आप सभी हमारे साथ इसमें बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रैंड स्लैम्स इन अ ईयर। हमको पता है ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस के द्वारा आयोजित कराया जाने वाला जो ग्रैंड स्लैम होता है, ये टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। ये होते हैं क्या आपके टेनिस टूर्नामेंट? इसका करेक्ट सीक्वेंस साल में होने वाला, ये इन अ ईयर पूछ रहा है, ये आप लोगों को जमाना है। आपके पास में 1, 2, 3, 4 यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और ऑप्शंस हैं आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए है 3, 2, 4, 1, यानी कि सबसे पहले विंबलडन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन और फिर यूएस ओपन, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2, यानी कि विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और फिर यूएस ओपन, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4, 2, 3, 1, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। इनमें से सही सीक्वेंस क्या है एक साल में होने वाले ग्रैंड स्लैम्स का, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन और फाइनली साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। यानी कि यहां पर आपके लिए 4, 2, 3, 1 हो जाएगा क्या जवाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ओपन पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है, ये आपका 2024 की बात की जा रही है। 2024 में किसने फ्रेंच ओपन पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वायतिक, दूसरे हैं जेनिक सिनर और आर्यन सबालेंका, ऑप्शन नंबर सी में है नोवाक जोकोविच और आर्यन सबालेंका और ऑप्शन नंबर डी में है नोवाक जोकोविच और कोको ग्रॉफ। हाल ही में आयोजित कराए गए जो फ्रेंच ओपन के टूर्नामेंट थे, जो साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है ना, साल का कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है, ये दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है, उसे किसने जीता है ये आप लोगों को बताना है। कार्लोस अल्कराज, ईगा स्वायतिक, ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर, या फिर जेनिक सिनर और आर्यन सबालेंका, ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच और आर्यन सबालेंका और फाइनली ऑप्शन नंबर डी नोवाक जोकोविच और कोको ग्रॉफ। तो इसका जो जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वायतिक। इन्होंने क्या जीता है हाल ही में, फ्रेंच ओपन के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया है, साथ ही आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, ऑस्ट्रेलियन ओपन का ग्रैंड स्लैम भी आयोजित कराया जा चुका है। इसमें भी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में जीतने वाले जो हैं उनका नाम है, ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये भी हो चुके हैं, आयोजित कराए जा चुके हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और इसमें जीतने वाले जो हैं वो पुरुष वर्ग में आपका मिलेंगे, आपको पुरुष वर्ग में इसका खिताब जीता है किसने, जेनिक सिनर ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है।
जेनिक सिनर। और महिला वर्ग में आप लोगों की आर्यन सबलंका, आर्यन सबलंका, इन्होंने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और उसी प्रकार दूसरा जो आपका साल का ग्रैंड स्लैम है वो है आपका फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन को जीतने वाले कौन है, कार्लोस अल्काराज और ईगा स्वैतिक, ये पुरुष वर्ग से हैं, ये महिला वर्ग से हैं। और वहीं आपका विंबलडन ओपन भी हो चुका है, विंबलडन विंबलडन ओपन का भी क्या किया जा चुका है, आयोजन कराया जा चुका है। और इसमें जो पुरुष वर्ग का खिताब था ये फिर से किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज नहीं जीता है, कार्लोस अल्काराज ने ही जीता है। और वहीं जो महिला वर्ग का खिताब है विंबलडन ओपन का, उसे जीता है बारबरा क्रेजेकोवा ने। किसने जीता है, बारबरा क्रेजेकोवा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के अभी तक के जो तीन ग्रैंड स्लैम्स आपके 2024 में हो चुके हैं उन सभी का क्या है, ये रिजल्ट है। सबसे पहले होने वाला जो है ये है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसको इसके पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, जेनिक सिनर ने। वहीं जो इसकी महिला वर्ग का खिताब है वो जीतने वाली कौन है, आर्यन सबालेंका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली है। सेकंड जो है वो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन जीतने वाले कौन कौन है, पुरुष वर्ग में है आपके कार्लोस अल्काराज, महिला वर्ग में आपकी कौन, ईगा स्वैतिक। और वहीं जो आपका तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है थर्ड विंबलडन ओपन, इसको जीतने वाले जो पुरुष हैं वो कौन है, कार्लोस अल्काराज, और दूसरी कौन है, बारबरा क्रेजेकोवा। इसके साथ ही जो कार्लोस अल्काराज हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, ये एक ही साल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के युवा टेनिस प्लेयर बन गए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो एक ही वर्ष में फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन दोनों जीत करके सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड बनाने वाले कौन हो गए हैं, कार्लोस अल्काराज हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉन द एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट इन जर्मनी। हाल ही में जर्मनी में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं, इसने क्या ऑर्गेनाइज कराया था, चैलेंजर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें जिसे किसने जीता है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है सुमित नागल, ऑप्शन नंबर बी है शरद कोहली, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमित सिंह, ऑप्शन नंबर डी है धीरज कुमार। तो इनमें से कौन है वो जो हाल ही में आपके चैलेंजर्स टूर्नामेंट को जीते हैं, ये आप लोगों को बताना है, सुमित नागल, शरद कोहली, अमित सिंह या फिर धीरज कुमार। इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल। और इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, कुल मिलाकर के 24 बार 24 टाइम्स इन्होंने क्या जीत लिया है, ये चैलेंजर्स ट्रॉफी इन्होंने जीत ली है, जो कि आपका टेनिस संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट पेनल्टी रिसीवर बाय स्टॉप क्लॉक रूल इन T20 वर्ल्ड कप। आप सभी को पता होगा हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराया गया था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, जिसमें पहली बार स्टॉप क्लॉक रूल को क्या किया गया था, लागू किया गया था, यानी कि एक ओवर के खत्म होने के 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरे ओवर को शुरू करना होता था किन्हें, जो बॉलिंग टीम है उन्हें। ये नियम इसलिए लागू किया गया था ताकि जो टाइम का वेस्टेज होता है उसे रोका जा सके। इसमें नियम ये था,
तीन बार अगर वार्निंग दी जाएगी, जो बॉलिंग टीम है वो अगर बार बार इस स्टॉप क्लॉक नियम का क्या करेगी, उल्लंघन करेगी, तो उसे तीन बार क्या दिया जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा, और जो तीसरी वार्निंग होगी उसके साथ उन्हें 5 रन्स की पेनल्टी दी जाएगी। 5 रन्स की पेनल्टी उन्हें दी जाएगी, यानी कि जो बैटिंग टीम होगी उनके खाते में 5 रन्स डाल दिए जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने के कारण, है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सी टीम थी जिसे T20 वर्ल्ड कप में पहली बार स्टॉप क्लॉक रूल से क्या किया गया है, पेनल्टी दिया गया है, यानी उन्होंने तीन बार उल्लंघन करने के बाद चौथी बार में उन्हें क्या दिया गया है, 5 रन का पेनल्टी दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया या फिर अमेरिका, ए बी सी डी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका को इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए बार बार स्टॉप क्लॉक रूल के उल्लंघन के लिए 5 रनों की पेनल्टी से का सामना करना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ 18th लोकसभा, यानी कि हाल ही में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव से चुन करके आए हुए जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने गठन किया है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ए, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी, 36 स्टेट मिनिस्टर्स हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है इसमें। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना उसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ना 36 आपके क्या हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 30 कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी 36 स्टेट मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी 10 स्टेट मिनिस्टर्स, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर नॉट टू, मतलब ना ही 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना ही 36 स्टेट मिनिस्टर्स हैं। यहां पर जो जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपका वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें कुल मिलाकर के 72 मिनिस्टर्स आपने क्या किए हैं, बनाए हैं, जिसमें से आपके 30 क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, छत्तीस आपके बिल्कुल सही हैं क्या, स्टेट मिनिस्टर्स, है ना, और 5 आपके क्या हैं, 5 है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है, है ना, और 1 है आपके कौन, प्रधानमंत्री, 1 है आपके कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 72 मिनिस्टर्स अभी तक बनाए जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country became the 99th member of International Solar Alliance to ratify its framework agreement? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया है, जिसने इस फ्रेमवर्क पर क्या कर लिए हैं, एग्रीमेंट की पुष्टि कर ली है, या फिर इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या कर लिया है, साइन कर लिया है, ये आप लोगों को बताना है। हालांकि इस 99वें के बाद में 100वां देश भी आ चुका है, है ना,
और ये भी एक हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोगों को दोनों याद होना चाहिए कि 99वां देश कौन सा रहा है और 100वां देश कौन सा रहा है। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो 99th मेंबर का है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। इनमें से कौन सा देश 99वां देश बन गया है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन बन गया है कौन सा देश, 99वां देश जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क ट्रीटी पर क्या कर लिया है, हस्ताक्षर करके इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल मेंबर सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल अलायंस आज, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है। 109, 129, 119 या फिर 139। कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें कितने सिग्नेटरी है ना, कुल कितने सदस्य हैं ये आप लोगों को बताना है वर्तमान में। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। 119 देश हैं इसमें जिन्होंने क्या कर लिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन तो कर लिया है लेकिन उसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है उसको साइन करने या फिर उसको रेटिफाई करने वाले हैं, मतलब जो ISA का फ्रेमवर्क है आपके देश में ये चीजें आपको पालन करनी है ताकि आप जो सौर ऊर्जा है उसका मैक्सिमम यूज कर सकें, उस जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको अपने देश से पारित करने वाले कितने देश हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 100 देश हैं लेकिन टोटल जो मेंबर्स अभी तक बन चुके हैं जिन्होंने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे दिया है वो कुल मिलाकर के कितने हैं, 119 हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। हालांकि अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है क्योंकि अब ईरान में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्हें हटा करके पूर्णकालिक क्या बना दिए गए हैं, एक प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। और वो जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है क्या, मसौद पेजेस्कियन नामक व्यक्ति हैं जो अब क्या हो गए हैं, मसूद पेजेस्कियन। ये आपके चुने जा चुके हैं क्या, ईरान के नए प्रेसिडेंट है ना। और ये जो आपका मोहम्मद मुखाबिर थे वो कौन थे, यही थे आपके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जिस समय ईरान की सरकार गिरी उसके बाद, माफ कीजिएगा, ईरान में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जहां पर उसमें प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन थे, मोहम्मद मुखाबिर बनाए गए थे है ना। और उनकी जगह अब वर्तमान में ले ली है पूर्णकालिक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, और उनका नाम क्या है, मसूद पेजेस्कियन। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि ईरान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। है ना। और जो ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आपका ये जो है इब्राहिम रहीसी ये वहां के प्रेसिडेंट थे और उनका एक दुखद निधन हो गया था,
ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि वर्तमान में ईरान का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मसौद पेजेस्कियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, कौन सा देश विश्व यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है, ए जापान, बी स्पेन, सी अमेरिका या फिर डी स्विट्जरलैंड। जापान, स्पेन, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड, कौन सा देश रहा है टॉप पर किसमें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में, जापान, स्पेन, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड। इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका रहा है किस पर, शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, यानी कि जो विश्व यात्रा और पर्यटन सूचकांक है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए भाई एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, इसकी गणना 7 के पैमाने पर की जाती है, 1 सबसे अच्छा और 7 सबसे खराब उपलब्धि वाला होता है, 2024 में यात्रा और पर्यटन के लिए अमेरिका, स्पेन और जापान शीर्ष देशों में शामिल रहे हैं, 4.25 के साथ भारत 39वें स्थान पर है 2024 में। ये सभी स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के बारे में, है ना, और आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये पूछा जा रहा है। इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 7, 1 बींग द बेस्ट एंड 7 बींग द वर्स्ट अचीवर्स, अमेरिका, स्पेन एंड जापान रैंक्ड टॉप 3 कंट्रीज फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म इन 2024। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, इंडिया विथ 4.25 स्टैंड्स ऑन 39th रैंक इन 2024। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है, बिल्कुल सही है। अमेरिका फर्स्ट रहा है, स्पेन सेकंड, जापान सही है ये भी तीसरे नंबर पर रहा है, इंडिया जो है वो 4.25 के साथ में 39th रैंक पर है ये भी सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाता है गलत, और ऑप्शन नंबर बी का भी जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा गलत। इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 7, बिल्कुल सही है, 1 से लेकर के 7 के पैमाने पर ही इसे क्या किया जाता है, मापा जाता है या देशों को रैंक नंबर्स दिए जाते हैं, लेकिन 1 जो है वो होता है आपका वर्स्ट परफॉर्मर, 1 नंबर अगर किसी को मिल रहा है मतलब वो वर्स्ट परफॉर्मर है, और 7 जिसको मिल रहा है मतलब वो बेस्ट परफॉर्मर है, जबकि यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों को कैसा दिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा सही, या फिर ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, लेकिन स्टेटमेंट हो जाएगा ये क्या गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग के बिलियनेयर इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे अमीर आदमी है, जो पूरी दुनिया में कौन से रैंक पर है, 10वें स्थान पर है, ये आप लोगों को बताना है। Who amongst the following is richest person in India with 10th rank all over the world according to Bloomberg's Billionaire Index? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या फिर नवीन जिंदल, इनमें से कौन है जो भारत का तो सबसे रईस व्यक्ति है, richest man है, लेकिन पूरी दुनिया का 10वां रैंक इसने हासिल किया है, किसके अकॉर्डिंग,
ब्लूमबर्ग्स बिलियनेयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों को बताना है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या फिर नवीन जिंदल। तो यहां पर जो आप लोगों का जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर जो भारत के हैं वो हो जाएंगे आपके मुकेश अंबानी, और ये 12th नंबर के ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है, रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हु अमंग्स द फॉलोइंग क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन यूथ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन Held at Peru 2024। मतलब निम्नलिखित में से किसने पेरू 2024 में आयोजित युवा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। युवा भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2024 जो कहां आयोजित की गई थी, लीमा पेरू में, वहां पर किसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? साईराज परदेशी, बाबूलाल, जोशना साबर या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रीति स्मिता भोई, इनमें से किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति स्मिता भोई ने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसमें, युवा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जो कहां पर आयोजित की गई थी, लीमा पेरू में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टोटल मेडल टैली ऑफ इंडियन कंटिंजेंट ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन 2024 है ना, तो जो भारतीय दल रहा है जो विश्व पैरा एथलेटिक्स 2024 में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भारतीय खेप की कुल मिलाकर के कितने पदक तालिका रही है या फिर कितने पदक उन्होंने हासिल किए हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर ए है 17, बी 18, सी 19 या फिर डी 20। ये आज तक का हमारा जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, और इसमें भारतीय जो दल रहा है उसने कुल मिलाकर के कितने मेडल्स जीते हैं ये आप लोगों को बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। 17, 18, 19 या फिर 20, इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए 17। कुल मिलाकर के 17 इन्होंने क्या जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, और 6 कुल मिलाकर के इन्होंने जीता है क्या, ब्रोंज मेडल। तो ये हमारे भारतीय जो कंटिंजेंट रही है या फिर भारतीय दल रहा है जिसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में अपना प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए ये लोग, उसका आज तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग क्लेंच्ड गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन, है ना, तो निम्नलिखित में किसने विश्व एथलेटिक्स में 2024 में मेडल में स्वर्ण पदक, इसको छोड़ दीजिएगा थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, ये जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ था 2024 का, इसमें किन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये आप लोगों को बताना है।
है ना। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमारा जो भारतीय कंटिंजेंट है उसने 17 मेडल्स जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहां से ही आपका सवाल पूछा गया है। ये जो आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स आयोजित कराई गई थी 2024 में, इसमें किसने किसने आपका क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। दीप्ति, जीवांश, सचिन, खिलारी, मरियप्पन, थांगावेलु, सुमित, अंतिल, इनमें से कौन वो लोग हैं जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। दीप्ति, जीवांश, सचिन, खिलारी, मरियप्पन, थांगावेलु, सुमित, अंतिल, इनमें से किसने किसने गोल्ड मेडल जीता है, ये आप लोगों को बताना है। केवल एक दो तीन या फिर केवल एक दो तीन चार, यानी कि चारों लोगों ने ही यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर जो हमारा जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन चारों ही व्यक्तित्व ने पैरा जो आपका वर्ल्ड कंपटीशन रहा है पैरा एथलेटिक्स का, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कंपटीशन इंडियन परफॉर्मेंस, मतलब आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन के बारे में क्या सत्य नहीं है, या फिर क्या सत्य है पूछ रहा है, इनमें से क्या सही है पूछ रहा है। भारत ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर के 17 पदक जीते हैं, पहला। दूसरा, दीप्ति जीवांश ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, सचिन खिल्लारी ने शॉट पुट में एशिया रिकॉर्ड बनाया है। और चौथा, मरियप्पन थांगावेलु ने ऊंची कूद चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये सवाल है। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको बिल्कुल पता होने ही चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का कंपटीशन था इसमें इंडियन जो दल रहा है, इंडिया जो टीम रही है, उसका बेस्ट आज तक का परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों ही सत्य है। तो एक तो हमने कुल मिलाकर के 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य है। इसके बाद हमने 3 बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जो दीप्ति जीवांश हैं उन्होंने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो सचिन खिलाड़ी हैं इन्होंने शॉट पुट में एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। और जो मरियप्पन थांगावेलु हैं इन्होंने ऊंची कूद में चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। Who amongst the following became the oldest and youngest person of India to climb the highest peak of the world, Mount Everest? निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत का सबसे बुजुर्ग और भारत के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति बन गए हैं? इसी साल हमारा मई के महीने में हमारे लिए ये बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड बना है कि विश्व का या भारत के सबसे उम्र दराज और भारत की सबसे कम उम्र वाले दोनों ही व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा ली है। इनमें से कौन है वो लोग, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ज्योति रात्रे एंड काम्या कार्तिकेयन रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर बी है संजीव सूरी और कामी रीटा शेरपा। ऑप्शन नंबर सी है चित्रसेन साहू और एस कार्तिकेयन रिस्पेक्टिवली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रजनी जोशी और अंगार वाड़ी।
सबसे उम्र दराज और सबसे कम उम्र के लोग जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं, उनका आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो जवाब यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं, और वहीं जो आपकी काम्या कार्तिकेयन है, ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और ये जो एस कार्तिकेयन है, यही इनके पिता हैं। किनके पिता हैं? काम्या कार्तिकेयन के। और ये काम्या कार्तिकेयन अपने पिता के साथ में ही कहाँ चढ़ी हैं? माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम एसेंट्स टू माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर अधिकतम बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? खास बात यह है कि ये जो विश्व रिकॉर्ड है, ये मई 2019 से लगातार इन्हीं व्यक्ति के पास में है। ऑप्शन नंबर ए है कामी रीटा शेरपा, ऑप्शन नंबर बी है सांग दावा शेरपा, ऑप्शन नंबर सी है आपके दर्जे ग्याल ग्यालगिन, और ऑप्शन नंबर डी है फुरबा ताशी। कामी रीटा शेरपा, सांग दावा शेरपा, दार्जे ग्यालगेन या फिर फुरबा ताशी। मई 2019 से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली इनके पास क्या रहा है? ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि ये सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, और ये बार बार अपना ही रिकॉर्ड क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, कामी रीटा शेरपा। कामी रीटा शेरपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर सिक्किम? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर सिक्किम? एआई आधारित यातायात प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर सिक्किम? इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम भारत देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या किया है? लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश फीफा 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? या फिर कौन से देश को 2027 में होने वाली जो महिला फुटबॉल विश्व कप है फीफा द्वारा आयोजित कराने की, उसकी मेजबानी दी गई है? ये आप लोगों को बताना है। ब्राजील, ये आपका पेरू है। ब्राजील, परू, अर्जेंटीना या फिर कोलंबिया? ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना या फिर कोलंबिया? 2027 फीफा विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी घोषणा ही हाल ही में की गई है। जून के महीने में इसकी घोषणा की गई है, इसलिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो देश 2027 में फीफा द्वारा महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल के आयोजन का मेजबानी करेगा वो है कौन? ब्राजील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है? कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? राजीव सोनी, अरुण त्रिपाठी, संजीव सूरी या फिर ऋचा शर्मा?
राजीव सोनी, अरुण त्रिपाठी, संजीव सूरी या फिर ऋचा शर्मा? इसका जो जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लैम बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? टू लैम नामक व्यक्ति किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? ईरान, वियतनाम, साउथ सुडान या फिर ब्राजील? ईरान, वियतनाम, साउथ सुडान या फिर ब्राजील? टू लैम किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, प्रेसिडेंट? ईरान, वियतनाम, सुडान, साउथ सुडान या फिर ब्राजील? इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। ये वियतनाम के नए क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला देखते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में इसमें 99वां और जो 100वां देश है उन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को पास कर लिया है अपने देश से, इसलिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पर इसका मुख्यालय है ये आपको बताना है, पेरिस, दिल्ली, मार्सेल या फिर गुरुग्राम? पेरिस, दिल्ली, मार्सेल या फिर गुरुग्राम? इसका जो जवाब हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में है क्या अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द एल्बम ऑफ ईयर विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स रिलीज इन 2024? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एल्बम है जो 2024 में रिलीज होने के 48 घंटे के भीतर ही एल्बम ऑफ द ईयर बन गया था, ये आप लोगों को बताना है। एक दिन में 38 करोड़ बार सुना गया था ये गाना स्पॉटिफाई पर। टेलर स्विफ्ट द्वारा ये अपने निजी जीवन पर बनाया हुआ एक एल्बम है। ऑप्शन है आपके पास में गर्ल विथ नो फेस, ऑप्शन नंबर बी है प्रील्यूड टू एक्सटेसी, ऑप्शन नंबर सी है टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी है वॉल ऑफ आइस। गर्ल विथ नो फेस, प्रील्यूड टू एक्सटेसी, द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट या फिर वॉल ऑफ द आइस। टेलर स्विफ्ट द्वारा अपने निजी जीवन पर बनाया ये एक क्या है, एल्बम है, जो 48 घंटों के अंदर ही एल्बम ऑफ द ईयर बन गया था। एक दिन में 38 करोड़ बार इसे स्पॉटिफाई में सुना गया था। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where is Salim Ali Wildlife Sanctuary located? Salim Ali वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? अभ्यारण्य की बात की जा रही है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत में बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है?
भारत के बर्डमैन पक्षी मानव के नाम से किसे जाना जाता है? जी डी मुरादकर, एम एस स्वामीनाथन, सलीम अली या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जी डी मुरादकर, एम एस स्वामीनाथन, सलीम अली या फिर इनमें से कोई नहीं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी मानव। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली। सलीम अली को बोला जाता है क्या? पक्षी मानव, है ना। ये जो आपके जी डी मुरादकर हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रास मैन ऑफ इंडिया, ग्रास मैन ऑफ इंडिया। और हाल ही में ये आपके अचानक मार टाइगर रिजर्व में ग्रास लैंड के डेवलपमेंट के लिए आए हुए थे। दूसरे जो आपके एम एस स्वामीनाथन हैं, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है किन्हें? आपका एम एस स्वामीनाथन को। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर पक्षी मानव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्मृति मंधाना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्मृति मंधाना ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स 2024 में बनाए हैं और तोड़े हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे। क्या सत्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है। वह वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है, ये आपका पहला स्टेटमेंट। उन्होंने लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर या फिर पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने शतक बनाने के मामले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान के स्कोर की बराबरी कर ली है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली 10वीं रैंक की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शी इज करंटली द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ही क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर 2 consecutive centuries, 2 consecutive centuries. शी इक्वल्ड द स्कोर ऑफ एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम इन स्कोर्ड सेंचुरीज। शी हैज बिकम द 10th रैंक विमेन प्लेयर टू स्कोर मैक्सिमम सेंचुरीज इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है स्मृति मंधाना के बारे में, ये आप लोगों को बताना है। यहां पर जो आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, चलिए 1 मिनट का समय और देते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो जो यहां पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों होगा इसको समझते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्योंकि स्मृति मंधाना ने क्या किया है, सबसे पहली बात तो वो हमारी विमेन्स जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी वाइस कैप्टन है। उन्होंने लगातार 2 टेस्ट मैचेस, माफ कीजिएगा, 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में शतक लगा करके भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 2 लगातार शतक लगाए हैं। तीसरा, उन्होंने जो हमारी एक्स कैप्टन थी मिताली राज, उनकी बराबरी कर ली है किसमें? टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज लगाने में।
और चौथा वो पूरे दे पूरे विश्व की 10वें नंबर की सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली क्या बन गई है, विमेन क्रिकेट प्लेयर बन गई है। यहां पर जो हमारा दूसरा सवाल है या फिर दूसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर टू कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, मतलब दो लगातार मैचेस में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है। बिल्कुल बनी है, लेकिन ये बनी है किसमें, वनडे इंटरनेशनल में। लेकिन जो पहली महिला भारत की थी जिन्होंने दो मैचेस में आपके लगातार शतक लगाया था, उनका नाम है संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल, और इन्होंने 1976 में 1976 में टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच में क्या किया था, दो लगातार मैचेस में शतक लगाए थे। तो यहां पर ही आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में दो लगातार मैचेस में शतक जड़े हैं वो कौन सी प्लेयर हैं, तो वो हैं आपकी कौन, स्मृति मंधाना। लेकिन जो आपका पहली महिला जिन्होंने भारत की ऐसी पहली क्रिकेट महिला प्लेयर जिन्होंने क्या किया है, दो लगातार शतक जड़े हैं, तो वो है कौन, संध्या अग्रवाल, जिन्होंने किसमें किए हैं, टेस्ट मैच में पहला अपना क्या किया था, शतक जड़े थे। और साथ ही जो आपकी स्मृति मंधाना है उन्होंने किसका रिकॉर्ड बराबर कर लिया है, मिताली राज का मैक्सिमम सेंचुरीज बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में क्या सत्य है, ये पूछा जा रहा है। सवाल आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव, इन चीजों में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास में, इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन June 16, 2024। It received the assent of President on 20th June 2024. It has been implemented from 21st June 2024. None of the above statements are true. सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में क्या सत्य है? इसे 16 जून 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, इसे 20 जून 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई, इसे 21 जून 2024 से लागू किया गया, या फिर उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 21st जून 2024, यानी कि इसे 21 जून 2024 से भारत देश में लागू किया गया है। और ये जो आपका प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस पब्लिक एग्जामिनेशन का पूरा एक्ट है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा। अगर ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आएगा, ये ज्यादा आप लोगों को उपयोगी लगेगा, तो मैं इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि ये हम सभी की जागरूकता के लिए बहुत जरूरी एक्ट है, ये हम सभी को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज
करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024. इट हैज 6 चैप्टर्स, इट हैज 19 सेक्शंस, इट हैज 3 शेड्यूल्स. ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, ओनली वन एंड टू इज ट्रू, या फिर ओनली वन टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. यहां पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सत्य है. इसमें 6 अध्याय हैं, इसमें 19 धाराएं हैं और इसमें 3 अनुसूचियां हैं. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इट इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ये लगभग 70-75% एक्सपेक्टेड है कि यहां से आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे. केवल एक, केवल दो, एक दो या फिर एक दो और तीन. तो यहां जो आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन एंड टू बोथ आर ट्रू. यानी कि इसमें 6 चैप्टर्स और 19 सेक्शंस तो हैं, लेकिन इसमें शेड्यूल केवल एक ही है. तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. केवल एक अनुसूची हमें यहां पर देखने को मिलती है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग्स द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स. निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस. कौन घोषित करता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन घोषित करता है. का जो जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस. यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, वो घोषित करती है किसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को. ऐसा नहीं है. इसकी जो प्रक्रिया है, ये जो आपका CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये अपना एक ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमें विभिन्न फसलों की समर्थन मूल्यों का वो एक क्या रहता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है. उसे ये सरकार को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसे ये सबमिट करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे दो जगह भेजती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उन्हें भेजती है और दूसरा मंत्रालयों में भेजती है, मिनिस्ट्रीज में. और इन दोनों के पास से आने के बाद में ये जाती है कहां पर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ये इसमें फाइनल डिसीजन लेती है कि हाँ, यहां से अगर कोई सुधार होने होते हैं या कोई रिकमेंडेशंस होते हैं, वो सभी रिकमेंडेशंस पहुंचते हैं कहां पर, आर्थिक मामलों की आपका कैबिनेट समिति के पास में. और ये जो समिति होती है, ये इसमें फाइनल डिसीजन लेती है कि भाई इतना इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए. लेकिन ये इसमें फाइनल डिसीजन लेने के बाद में इसे वापस भेज देती है किसके पास में, CACP के पास में. और फाइनली ये जो CACP होती है, ये अपने नाम से ही, इस संस्थान के नाम से ही जारी होता है क्या, समर्थन मूल्य. तो ये क्वेश्चन ऐसे तो आपका स्टैटिक GS का है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ही इस क्वेश्चन को अलग से यहाँ पर डाला गया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाग अस्त्र एक क्या है, व्हाट इज नागास्त्र वन. सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स डेवलप्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज,
सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित आत्म विनाशकारी ड्रोन है? ऑप्शन नंबर बी सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉम्बैट टॉर्पीडो, लड़ाकू टॉर्पीडो। इनमें से क्या है नागास्त्र एक, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के लिए, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज, जिसका आपका इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है, ये भोपाल में स्थापित है, उसके द्वारा ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स बनाए गए हैं, जिनका नाम रखा गया है क्या, नागास्त्र वन। Who amongst the following was appointed as pro tem speaker of 18th Lok Sabha? बहुत important question है, very important. निम्नलिखित में से किसे 18th Lok Sabha का pro tem speaker घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था? Option A ओम बिरला, Option B भर्तृहरि महताब, Option number C पीयूष गोयल, या फिर Option number D none of the above. ओम बिरला, भर्तृहरि महताब, पीयूष गोयल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो जो जवाब हो जाएगा ये आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भर्तृहरि महताब को क्या बनाया गया था, प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपको प्रो टेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, नहीं तो फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब रेल ब्रिज इज बिल्ड एट एन एलिवेशन ऑफ, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब रेल पुल कितनी ऊंचाई पर बना है? ऑप्शन नंबर ए 259 मीटर्स, ऑप्शन नंबर बी 359 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी 459 मीटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी 559 मीटर्स। हाल ही में इस ब्रिज में ट्रेन चला करके इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो चिनाब नदी के ऊपर है, और ये कितनी ऊंचाई पर है ये आप लोगों को बताना है। 259, 359, 459 या फिर 559 मीटर्स की ऊंचाई पर है। इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी 359 मीटर्स। अगर आप लोगों से फीट में पूछे तो ये हो जाएगा 1179 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is India's rank in the recently released Global Peace Index 2024? बहुत ज्यादा important. ये भी one of the expected question है ये। भारत हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, 113वां, 114वां, 115वां, 116वां? कौन सा रैंक रहा है भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में, ये आप लोगों को बताना है। जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 116। ठीक है, 116वां रैंक है किसका,
भारत का वैश्विक सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग्स द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस डेटा फॉर ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो पिछला हमने देखा जिसमें भारत का 116वां रैंक है, उसमें उस डेटा को रिलीज कौन करता है ये बताना है आप लोगों को। यूनाइटेड नेशंस पीस काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस या फिर वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान या फिर विश्व बैंक। कौन रिलीज करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसके 2024 के संस्करण में भारत को 116वां रैंक प्राप्त हुआ है। एक सौ सोलहवा रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। इसका जो जवाब हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा रिलीज किए जाने वाले ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें भारत का रैंक 116वां है, उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है ये आप लोगों को बताना है। आयरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर न्यूजीलैंड, ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आयरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा आइसलैंड, है ना। यहां पर ये द्वीप लिखा गया है, ये आइसलैंड है। चलिए आगे चलते हैं, द ईयर 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर फॉर डैश बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को डैश का वर्ष घोषित किया गया है। शांति और समृद्धि, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, सोलर एनर्जी कोऑपरेशन, सौर ऊर्जा सहयोग या फिर ऑप्शन नंबर डी क्वांटम साइंस एंड एप्लीकेशन, क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोग। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डैश के रूप में चिन्हांकित किया गया है, ए बी सी या फिर डी। जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोग, यानी कि क्वांटम साइंस एंड एप्लीकेशंस के साल के रूप में 2025 को चुना गया है। अगला देखते हैं, बाय विच अमेंडमेंट वॉज 9th शेड्यूल एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जवाब देंगे, कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फिर लघु संविधान कहा जाता है, कौन से संविधान संशोधन को, इसका जवाब आप लोग देंगे।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? जो जो जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ही आपके भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम? वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंडाना, मिताली राज या फिर इनमें से कोई नहीं? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंडाना, मिताली राज या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका जो जवाब हो जाएगा ये आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जून, 15 जून, 20 जून या फिर 25 जून? कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? 10 जून, 15 जून, 20 जून या फिर 25 जून? इसका जो जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा 20 जून। 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? विश्व शरणार्थी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द 112th लेबर समिट ऑर्गेनाइज्ड, है ना, मतलब 112वां अंतरराष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी केप टाउन या फिर ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। न्यूयॉर्क, लंदन, केप टाउन या फिर जिनेवा। 112वां अंतरराष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन आयोजित कराया गया था ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रमशः विश्व और भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय बनी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में? यानी कि विच अमंग्स द फॉलोइंग पेयर बिकेम द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग? स्टैनफोर्ड, IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड, IIM अहमदाबाद, कैम्ब्रिज एंड IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर या फिर हार्वर्ड एंड IISc, हार्वर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। विश्व की और भारत की सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाली जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। स्टैनफोर्ड, IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड, IIM अहमदाबाद, कैम्ब्रिज, IISc और हार्वर्ड IISc। इसका जो जवाब हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये विश्व की सबसे शीर्षतम क्या है यूनिवर्सिटी है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में, और IIM अहमदाबाद भारत की शीर्षस्थ संस्थान है या फिर यूनिवर्सिटी है इस रैंकिंग में। व्हाट वॉज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद इन रिसेंटली रिलीज्ड सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग? यानी कि हाल ही में जो भारतीय विज्ञान संस्थान और IIM अहमदाबाद की रैंक क्या थी हाल ही में विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए सेंटर द्वारा, यानी कि वही जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है इसके अकॉर्डिंग IISc और IIM अहमदाबाद की रैंकिंग्स क्या रही हैं ये आप लोगों को बताना है।
वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IIM अहमदाबाद इन रिसेंटली रिलीज सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, जिसमें विश्व का जो शीर्ष स्तंभ आपका यूनिवर्सिटी रहा है वो हार्वर्ड रहा है, इंडिया का जो है वो IIM अहमदाबाद रहा है, इसी में ही भारत के जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान है और IIM अहमदाबाद है, इन दोनों को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन ए है 410 और 501, 501 और 410, 419 और 509, या फिर ऑप्शन नंबर डी 509 और 419। कौन कौन सा रैंक हासिल हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIM अहमदाबाद को, जो भारत का शीर्षतम यूनिवर्सिटी है, शीर्षस्थ यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा है? IIM अहमदाबाद है। दूसरे नंबर पर जो है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इन दोनों को कौन सा रैंक हासिल हुआ है ये आपको बताना है। जो फर्स्ट रैंक है वो किसे हासिल हुआ है? वो हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर रही है। यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसे 501वां स्थान मिला है और जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है या फिर IIM अहमदाबाद है उसे 410वां रैंक मिला है। तो ये रैंक भी आप लोगों को याद होना चाहिए। रिलीज करने वाला जो संस्थान है वो कौन है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट रैंक दुनिया का किसे मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। इंडिया का फर्स्ट रैंक किसे मिला है? IIM अहमदाबाद को। लेकिन पूरी विश्व में IIM अहमदाबाद को 410वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो दूसरा हमारे देश में सेकेंड नंबर पर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इसे जो रैंक पूरे विश्व में हासिल हुआ है वो है 501वां रैंक। ठीक है, चलिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग? अब ये आप लोगों से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में क्या सच है पूछा जा रहा है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम जिनेवा। It releases both academic as well as non-academic ranking of universities of the world. 64 Indian institutes featured in the list in 2024. IIT Madras became the top university of India. यानी कि इसे जिनेवा से जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की अकादमिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह की रैंकिंग्स जारी करता है। 2024 में 64 भारतीय संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया और IIT मद्रास भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय बन गया है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें से ये जो जिनेवा से रिलीज किया जाता है ये गलत है। ये केवल आपके एकेडमिक रैंकिंग्स को ही जारी करता है, इसलिए ये भी आप लोगों के लिए गलत हो जाता है। IIT मद्रास टॉप का यूनिवर्सिटी नहीं है, हमने देखा क्या है, IIM अहमदाबाद है ना। इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कुल मिलाकर के 64 जो हमारे भारतीय संस्थान रहे हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 96वां क्वेश्चन है हमारा, एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में IT सेक्टर में संभावित नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है, निम्नलिखित में से किसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन पोटेंशियल जॉब्स इन IT सेक्टर इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रिब्यूटेड टू इट? इंक्रीज इन बिग डेटा सर्विसेज, बिग डेटा सेवाओं में वृद्धि,
इंक्रीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में वृद्धि, इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं में वृद्धि, या फिर इन सभी कारणों को ठहराया जा सकता है आईटी सेक्टर में जॉब्स की जो पोटेंशियल बढ़ी है उनका रीजन क्या हो सकता है भारत में? इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सभी, ये सभी कारण हैं जिसके कारण आईटी सेक्टर में इंडिया में जॉब्स क्या कर रही हैं, बूस्ट कर रही हैं। हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्राचीन साहित्यिक कार्यों को हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हाईली एक्सपेक्टेड, लगभग 80-85% चांसेस हैं इस सवाल के आने का आपके एग्जाम में। How many Indian ancient literary works have been recently included into the UNESCO memory of the World Asia Pacific Regional Register? 1, 2, 3 or 4? 1, 2, 3 या फिर 4? इतने भारतीय प्राचीन साहित्यिक कार्यों की बात की जा रही है जिसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, 1, 2, 3 या फिर 4? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 3 भारतीय प्राचीन साहित्यिक कार्यों को इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत्य को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के तहत शामिल करने के लिए चुना गया है? रामचरितमानस, सहृदय लोकन, पंचतंत्र, महाभारत। अब भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है क्या, 3 भारतीय एंशियंट जो वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स, उन्हें क्या किया गया है, इस रजिस्टर में शामिल करने के लिए चुना गया है। अब ये कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, रामचरितमानस, सहृदय लोकन, पंचतंत्र या फिर महाभारत। केवल 1, 1, 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4, सभी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3, रामचरितमानस, सहृदय लोकन और पंचतंत्र को इसमें क्या किया गया है, इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? इन विच लैंग्वेज वॉज द रामचरितमानस Written by Tulsidas? In which language Ramcharitmanas has been written by Tulsidas? A. Sanskrit, B. Pali, C. Avadhi ya phir D. Hindi? A. Sanskrit, B. Pali, C. Avadhi ya phir D. Hindi? रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, ये आप लोगों को बताना है, संस्कृत, पाली, अवधि या फिर हिंदी। यहां जो आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधि। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसीलिए ही हमने इन्हें कहा है क्या,
300 मोस्ट इंपॉर्टेंट questions फॉर अपकमिंग हॉस्टल वार्डन examination. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which country became the top trading partner with India in the financial year 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत के साथ शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? इसका आप लोगों को जवाब देना है. ए चाइना, बी अमेरिका, सी रशिया या फिर डी सिंगापुर. चाइना, अमेरिका, रशिया या फिर सिंगापुर. 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें टॉप ट्रेडिंग पार्टनर या फिर शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है भारत के साथ में? चाइना, अमेरिका, रशिया, सिंगापुर. तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चाइना. अमेरिका को पछाड़ते हुए चाइना बन गया है क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारा शीर्ष व्यापारिक भागीदार. आज का हमारा 50 क्वेश्चन यहां समाप्त होता है. हम अभी तक 100 क्वेश्चंस तक पहुंच पाए हैं. हमें पहुंचना है 300 क्वेश्चंस तक और ये सभी आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे. आप सभी से उम्मीद है आप सभी अंतिम तक हमारे साथ बने रहेंगे. कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा. आपके डाउट्स को क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू. आप अपने एग्जाम में एक्सेल करिए. अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ. आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें. हमेशा आपके साथ टीम कोको.